हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड केबिल अथवा भूमिगत केबिल में क्या क्या दोष आएंगे। तो भूमिगत केबिल हम लोग लिखेंगे बेटा, तो हम लोग जब केबिल को बिछा लेते हैं खाई में, और जो भी आपने दो तीन विधियाँ देखा, तो उसके बाद भविष्य में जो है केबिल हमारी प्रदोषी होंगी, उनमें फाल्ट आएगा। तो वो फाल्ट कितने प्रकार का है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि भूमिगत केबिल में मुख्य फाल्ट तीन प्रकार के। कौन कौन? तीन प्रकार के प्रदोष हैं। पहला आपने लिखा, चलिए अर्थ फॉल्ट लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं भू प्रदोष। जिसे कहेंगे अर्थ फॉल्ट अथवा कहेंगे अर्थ लीकेज फॉल्ट। क्या कहेंगे? अर्थ लीकेज फॉल्ट भी कहेंगे बेटा। दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लिख देते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम लोग कहेंगे लघुपथ। लघुपथ प्रदोष। और तीसरा हम लोग लिखते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट या खुला खुला पथ प्रदोष। खुला पथ प्रदोष को कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या है बेटा, कि जब हमारा इंसुलेशन वीक हो जाए, कहीं से फ्रैक्चर हो जाएगा, तो जो हमारी सप्लाई है क्रोड से, जो सप्लाई जा रही है, वो जो है इंसुलेशन के फ्रैक्चर होने से ज़मीन में जाने लगेगी। तो हम लोग कहेंगे कि अर्थ फॉल्ट हो गया, हमारी केबिल अर्थ हो रही है, सप्लाई ज़मीन में जा रही है। क्लियर है? उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होगा, जब आप दो केबिलें एक खाई से, दो या दो से अधिक केबिलें ले जा रहे हैं, तो दोनों केबिलों के यदि इंसुलेशन फ्रैक्चर हो गए, तो दोनों के क्रोड जो है वो आपस में संपर्क करने लगेंगे और शॉर्ट सर्किट होने लगेंगे। अथवा मल्टी कोर केबिलें होंगी, जिसमें बेटा आपके इंसुलेशन के अंदर दो कोर पड़े हैं, तीन कोर पड़े हैं, फोर कोर हैं, ऐसे मल्टी कोर केबिलें हैं, तो उनके क्रोड के ही इंसुलेशन वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, फ्रैक्चर हो गए, और फिर उनके क्रोड ही आपस में, एक ही केबिल के दो क्रोड आपस में यदि शॉर्ट कर रहे हैं, तब भी आपको शॉर्ट सर्किट दोष उस केबिल में आ जाएगा, लघुपथ। और जब शॉर्ट सर्किट दोष आएगा बेटा, तो करंट जो अपने निर्धारित मार्ग से नहीं बहेगी, वो बीच में जहाँ से शॉर्ट हो जाएगी वहीं से अपना परिपथ
पूरा करने लगती है। इस तरह से दोनों कंडक्टर जब टच कर जाते हैं तो सप्लाई जो है अलग रास्ते से बहने लगती है और धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। जब धारा का मान बहुत बढ़ जाता है तो आई स्क्वायर आर से बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और इतना ऊष्मा उत्पन्न होती है कि फिर हमारी केबिल भी ध्वस्त हो सकती है। और उसके बाद आपने खुला पथ प्रदोष यानी ओपन सर्किट फॉल्ट है बेटा। तो ओपन सर्किट फॉल्ट जो है वो जब कोई हमारा कंडक्टर जिसको आप लोग क्रोड कहते हैं वो टूट गया तो हमारा जो है अब आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय हमारी जब सप्लाई आगे नहीं जाएगी तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। जैसे हम लोग स्विच को बेटा ऑन और ऑफ करते हैं तो जब ऑफ कर देते हैं तो स्विच जो है अपने कॉन्टैक्ट बिंदु से हट जाता है, ठीक है ना। अब सप्लाई बंद हो गई, ठीक है ना। तो हमारा उस समय ओपन सर्किट है और जैसे ही स्विच को नीचे की ओर दबाते हैं तैसे ही सप्लाई ऑन हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं परिपथ क्लोज कर दिया, पूरा कर दिया। तो ऐसे ही जब बीच में हमारा कोर जो है केबिल का कहीं भी फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सप्लाई का आगे जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। अब ये सब फॉल्ट क्यों आते हैं बेटा, जैसे ओपन सर्किट ही फॉल्ट क्यों आएगा? तो ओपन सर्किट फॉल्ट तब आएगा जब हमारे केबिल पर जो है बहुत बाहरी आघात पहुँचे, चोट पहुँचे, ठीक है ना। कोई भारी वाहन चढ़ जाए, कुछ हो जाए, या फिर हम लोग तीव्र मोड़ दें उसको, घुमावदार न मोड़कर आप 90 अंश पर मोड़ने का प्रयास करें तो हो सकता है कंडक्टर टूट जाए। अथवा आपने ये भी देखा कि जब केबिलों पर हम लोग ओवरलोड करेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा इसकी लोडिंग होगी, तो जैसे ही लोड हम बढ़ाते जाते हैं बेटा धारा बढ़ती जाती है। सबको मालूम है, सीधा सा उदाहरण है कि जैसे आप 1000 वाट का हीटर लगा रहे हैं तो थोड़ा मोटा तार लगाना होगा क्योंकि वो धारा ज़्यादा लेगा, उसकी क्षमता पावर अधिक है, तो वो पतले तार से उसमें सप्लाई नहीं देंगे। 2000 वाट का हीटर ले लें तो और मोटा तार लगाना होगा। तो इस तरह से क्यों मोटा तार लगाते हैं, क्योंकि जितने वाटेज बढ़ता जाएगा वहीं वाट में ही लोड होता है। तो जितना हम वाटेज बढ़ाते जाएंगे बेटा, अभी 5000 वाट ले लें तो और ज़्यादा मोटा हमें जो है लीड लगानी पड़ेगी, उसका कंडक्टर और मोटा रखना पड़ेगा, क्रोड और मोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें धारा वो इंस्ट्रूमेंट 5000 वाट ज़्यादा खींचेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग लोड यानी वाटेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपके क्रोड में धारा का मान बढ़ता जाता है। तो अगर हम लोग लोड ज़्यादा करते हैं तो भी हमारे केबिल में बहने वाली धारा का मान बहुत बढ़ता है और धारा का मान बढ़ने से भी आई स्क्वायर आर से हमारी केबिल हीट होती है और जहाँ पर हम लोग जोड़ लगाए हैं बेटा वहाँ से केबिल खुल सकती है, तब भी जो है ओपन सर्किट फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से जो है केबिल में ये सब दोष आते रहते हैं और फिर समय के साथ साथ सभी चीज़ें पुरानी होती हैं, उनकी लाइफ होती है एक, हर चाहे इंसुलेशन लगाएं चाहे कंडक्टर लगाएं, हर वस्तु का और चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है सबकी लाइफ निर्धारित है। उसके बाद उनमें जो है कमियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो वो भी है क्योंकि ये समय के साथ साथ हमारी केबिल क्यों ख़राब होती है, इंसुलेशन क्यों ख़राब होता है। तो इंसुलेशन भी जो है बाहरी उसके आवरण है बेटा, वो वहीं हमेशा जो है पानी नमी और जो भी प्रेशर पहले पड़ेगा, अधिक दाब तनाव खिंचाव केबिल का जो भी है वो सब जो है आपके कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेशन पर भी पड़ता है। तो इस तरह से इंसुलेशन भी हमारा कहीं ना कहीं से क्रैक होता है, तो ये सब कमियाँ हमारे केबिल में आती रहती हैं। पक्का हो गया। तो अब हम लोगों को अगर अर्थ फॉल्ट ज्ञात करना है तो अर्थ फॉल्ट पहले हम लोग क्या करेंगे
कि इन फॉल्टों को बेटा हम लोग जो है एक एक करके चिन्हित करेंगे कि हमारे केबिल में कौन सा दोष है, शॉर्ट सर्किट वाला दोष है या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट है अथवा फिर जो है अर्थ फॉल्ट। ये हम लोग जब निर्धारित कर लेंगे, तय कर लेंगे कि ये वाला फॉल्ट है, तो फिर उस फॉल्ट का लोकेशन ज्ञात करेंगे कि ये फॉल्ट यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, नहीं तो फिर पूरी खाई हम लोगों को खोदना पड़ेगा। अब ऐसे क्या है कि जब फॉल्ट का लोकेशन हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, तो फिर हम उतने ही किलोमीटर या उतने ही मीटर की दूरी पर वहाँ पर जाकर खाई की खुदाई करेंगे और वो जो वहाँ पर हमारा दोष है केबिल में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर उसे रिपेयर कर लेंगे, उसका मेंटेनेंस करके और फिर सप्लाई को कम से कम समय में चालू कर दिया जाए। तो इसलिए पहले तो दोष का निर्धारण करना है और फिर जब दोष का पता चल जाए तो फिर उसके बाद उसका लोकेशन निर्धारित करना है कि किस जगह पर यह फॉल्ट है। पक्का? तो पहले अब हम लोग जो है इन दोष का निर्धारण करेंगे, तो दोष को चिन्हित करेंगे। तो पहला हम लोग जब चिन्हित करेंगे तो पहला ही ले लेते हैं अर्थ फॉल्ट। कौन सा ले लेते हैं? अर्थ फॉल्ट समझ में आ रहा है? अर्थ फॉल्ट क्या है बेटा? जब केबिल का इंसुलेशन फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो हमारे जो क्रोड से धारा है वो जमीन में जाने लगती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्थ फॉल्ट। जब केबिल इंसुलेशन फेल हो जाए, फेल्योर हो जाए, हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तब कोर धारा जमीन में बेटा अथवा कोस्ट में भू में जाने लगती है, इसे ही अर्थ फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अथवा अर्थ लीकेज फॉल्ट, ये लिखा हुआ है, इसे ही अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट कहते हैं। अब इसका पता कैसे करेंगे बेटा? तो हम लोग जो है ये केबिल ले लेते हैं, और केबिल हमारी अर्थ फॉल्ट है कि नहीं ये जानने के लिए इधर भी एक कंडक्टर ऐसे निकाल दिया और इधर भी कंडक्टर ऐसे निकाल दिया। जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं बेटा ड्राइंग में उसे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाई देते हैं। तो अंदर केबिल के हमें दिखेगा नहीं ये हमारा क्रोड, तो इसे किस लाइन से दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे दिखा देंगे। चलिए हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा कोर अथवा क्रोड। ये क्या हो गया? कोर है, या इसी को हिंदी में कहेंगे क्रोड है। ये वाली आपकी जो है केबिल, इसे लिख देते हैं, ये फॉल्टी केबिल है, ये फॉल्टी केबिल है। और मान लिया कि यहाँ पर अर्थ फॉल्ट है, यहाँ पर फॉल्ट बिंदु ये है, ये हो गया बेटा फॉल्ट पॉइंट, ये फॉल्ट बिंदु हो गया, ये हम लोगों का टेस्टिंग एंड हो गया। ये कौन सा एंड हो गया? हाँ बेटा, टेस्टिंग एंड लिख लें,
या सिरा, ये परीक्षण सिरा हो गया। हिंदी में क्या कहेंगे? परीक्षण सिरा। और इस सिरे को कहेंगे बेटा, हाँ, फार इंड। क्या कहेंगे? फार इंड कहेंगे या सुदूर सिरा कहेंगे? क्या कहेंगे? सुदूर सिरा कहेंगे बेटा। ये वाला परीक्षण सिरा कहेंगे। टेस्टिंग। अब अगर अर्थ फॉल्ट है बेटा, तो क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई जो है अपने आप जो है ऐसे ज़मीन में उतर रही होगी। बोलिए भाई ना। हाँ, ये ज़मीन में ये हो गया अर्थ का, ये सिंबल बन गया बेटा, ये अर्थ में उतर रही है, अर्थ हो रही है, सप्लाई आपकी जा रही है। अब हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? मेगर ले लेते हैं। तो एक यहाँ पर मेगर ले लिया, चलिए और नीचे कर देते हैं इसको, ये मेगर का हैंडल हो गया। यहाँ पर बेटा अनंत हो गया और यहाँ पर जीरो हो गया। ये आपका पॉइंटर हो गया। हाँ, मान लीजिए कि ये इस समय जीरो दिखा रहा, ठीक है ना, पॉइंटर। यहाँ जोड़ दिया, ये इसका एल टर्मिनल है और ये इसका जो है ई टर्मिनल है। चलिए इसे भी अर्थ कर दिया। ये अर्थ हो गया बेटा, तो ये आपस में ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है अपने आप ऐसे जब हम लोग कनेक्शन कर लेंगे, यही टेस्टिंग सिरा केबल जो हमें मालूम है कि ये काम नहीं कर रही है, इसमें अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट जब आएगा तो ये हीट होने लगेगी, धारा ज़मीन में जाने लगेगी, धारा का भी मान बढ़ेगा तो केबल जो है हीट होने लगेगी। तो उस दशा में हम लोग क्या करेंगे कि मेगर से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, यल सिरा टेस्टिंग सिरे पर जोड़ देंगे और मेगर का ई सिरा, मेगर को ओम मीटर भी बोलते हैं, इसका ई सिरा जो है हम लोग अर्थ कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब इस हैंडल को घुमाएंगे, मेगर के हैंडल को घुमाएंगे, कंटिन्यूटी देंगे। तो अगर हमारी केबल में अर्थ फॉल्ट है बेटा, तो ये कंटिन्यूटी देखिए ऐसे होते हुए ऐसे अपना परिपथ पूरा करती रहेगी और तब ये पॉइंटर अनंत से जीरो पर आ जाएगा। अगर जीरो पर नहीं आता है, अनंत पर ही पॉइंटर रुका हुआ है, तो इसका मतलब कि हाँ, इसमें जो है ये परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। इसके माने मतलब कि इसमें अर्थ फॉल्ट नहीं है, परिपथ पूरा नहीं होगा। हम लोग चलाते रहेंगे, कंटिन्यूटी जाएगी, यहाँ जाके रुकी रहेगी, ऐसे परिपथ पूरा ही नहीं होगा, अतः जो है पॉइंटर अनंत पर रुका रहेगा। तो हम लोग समझ गए कि जब पॉइंटर जीरो पर आ जाएगा
तब हम समझ जाएंगे कि इसमें अर्थ फॉल्ट है, ये सर्किट अपने आप जो है पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि जब ये हमारा मेगर का पॉइंटर बेटा जीरो पर रहेगा तो ये सर्किट इसके मतलब पूरी हो रही है और हमारी केबल में अर्थ फॉल्ट है, भू प्रदोष है, अन्यथा अनंत पर रुका है तो नहीं। क्लियर। अब हम लोग जो है अगला लेते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या अगला हम लोग ले लेते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। लघुपथ, तो दो केबलों का अगर इंसुलेशन खराब हो जाए तो दोनों के क्रोड या कोर जो है टच करने लगते हैं, ठीक है ना। तो लिख लें, जब दो केबलों के कोर आपस में टच करने लगते हैं, ऐसा कब होगा, जब इंसुलेशन हमारा फेल होगा। आपस में टच करने लगते हैं अथवा बेटा आप कहेंगे अथवा मल्टी कोर केबल में केबल के कोर आपस में टच करने लगते हैं, तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है बेटा। फिर आगे आपने लिखा कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने में क्या है, धारा निर्धारित मार्ग से अब न बहकर बीच रास्ते से जहाँ शॉर्ट हो गई है केबल वहीं से बहने लगती है और फिर धारा का मान इतना अधिक हो जाता है कि आई स्क्वायर आर से बहुत अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और केबल हमारी बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है और कभी कभी जो है केबल जलकर नष्ट भी हो जाती है। अब इसका अगर हम लोगों को बेटा बनाना है तो यहाँ पर एक केबल और हम लोग लगा दें, क्या करेंगे, एक केबल यहाँ पर और हम लोग जो है लगा देते हैं और ऐसे ये केबल है, इसमें भी कंडक्टर ऐसे ही लगा दिया, कोर ऐसे लगा दिया बेटा, ऐसे सुदूर सिरा हो गया। अब अगर दोनों के इंसुलेशन टच कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पर ये जो है ऐसे जो है यहाँ पर ये जो है शॉर्ट सर्किट अपने आप होने लगेगा, हो रहा है ना। और इस सिरे को हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, इस फॉल्टी दोनों में ऐसे जोड़ देंगे, ये हमारा जो है मेगर ऐसे बना दीजिए,
ये हमारा हैंडल हो गया, ये हो गया आपका मेगर बेटा, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये चूंकि दोनों केबलें आपस में शॉर्ट कर रहे हैं बेटा, इसलिए सप्लाई अपने आप ऐसे पूरी हो जाएगी, इस सिरे को आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेगर के हैंडल को हम लोग घुमाते हैं तो कंटिन्यूटी चालू होती है और इस रास्ते से होते हुए सर्किट अपने आप ऐसे पूरी होती रहेगी, और ये जो है पॉइंटर मेगर का जीरो पर आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारी सर्किट पूरी हो रही है और इन दोनों केबल आपस में शॉर्ट कर रही हैं। बिना किसी कनेक्शन के सप्लाई अपने आप एक केबल से दूसरे केबल में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है। अब अगला हम लोग बेटा ओपन सर्किट फॉल्ट, कौन सा मिटा दें इसको, ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा कि हमारा कोर अथवा क्रोड कहीं ना कहीं टूट जाएगा बाहरी आघात के कारण, ठीक है ना। बाहरी आघात हमारा हुआ, ज़्यादा तनाव हुआ बेटा, ज़्यादा खिंचाव हुआ, ठीक है ना, या ज़्यादा कहीं मोड़ दिया, ठीक। तो इन सब के कारण से, ज़्यादा मोड़ने से, ज़्यादा उस पर कोई बाहरी आघात पड़ने से अथवा ज़्यादा खिंचाव पड़ने से हमारा क्रोड जो है केबल का टूट सकता है। तो अगर वो टूट जाता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये टूट गया, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके लिए जो है हमें जो है दो केबल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाँ मान लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट आ गया और ये यहाँ पर जो है हमारा क्रोड टूट गया, यहाँ पर हमारा क्रोड टूट गया, यहाँ ये फॉल्ट आ गया, और दूसरी जो केबिल लेंगे बेटा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये हेल्दी केबिल है। कौन सी है ये, हेल्दी केबिल है, हाँ स्वस्थ केबिल है। अब इनके सिरों को हम लोग क्या करेंगे, कम प्रतिरोध वाले कड़ी से या लिंक कहेंगे बेटा, उससे जो है इसको शॉर्ट करा देंगे या जोड़ देंगे, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध बेटा कड़ी या लिंक या स्ट्रिप कहेंगे, ठीक है ना, मोटी पट्टी ले लेंगे कापर वगैरह की, उससे जोड़ देंगे ताकि उसका प्रतिरोध बहुत कम हो। अब जो है ऐसे फिर कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद जब मेगर का हैंडल घुमाएंगे हम लोग, कंटिन्यूटी चालू होगी। अगर कंटिन्यूटी चालू हो जाती है, ऐसे ऐसे सर्किट पूरी हो जाती है, तो हमारा पॉइंटर जीरो पर आ जाएगा और हम समझ जाएंगे कि फिर इसमें जो है ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है, इसका क्रोड कहीं टूटा नहीं है। और अगर बेटा ये जीरो पर नहीं आता है, ये जो है अनंत पर ही रुका रहता है, तब क्या हो जाएगा, हाँ तब जो है ये सर्किट पूरी नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये सर्किट खुली हुई है, फॉल्ट यहाँ हमने दिखाया है, तो ये जो है हम कितनाओं कंटिन्यूटी देंगे लेकिन यहाँ पर फॉल्ट है, अब धारा आगे जाएगी नहीं, इस तरह से ये परिपथ पूरा नहीं होगा और पॉइंटर हमारा अनंत का अनंत पर ही रुका रहेगा। तो शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट फॉल्ट की दशा में हमारा जो ये रीडिंग देगा मेगर, वो अनंत का देगा, और अगर जीरो पर आ गया तो हम जान जाएंगे कि ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं। तो ऐसे हम लोग पहले जो है इन तीनों दोषों का केबिल में पता करेंगे कि हमारे केबिल में किस टाइप का फॉल्ट है। फिर जब इन फॉल्टों को ऐसे हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद उस फॉल्ट के लोकेशन को पता करें, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
भूमिगत केबिल में प्रदोष के स्थान का निर्धारण। यही तो हम लोग लिखे हैं। यानी लोकेशन ऑफ फॉल्ट है, तो क्यों हम लोग लोकेशन पता करेंगे? ये बात हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जब तक हम लोगों को लोकेशन का पता नहीं चलेगा तब तक स्टार्टिंग सिरे से यानी टेस्टिंग सिरे से, या टेस्टिंग सिरा आपका जो है एक तरह से मान लीजिए कि सब स्टेशन वहाँ से सप्लाई जा रही है, तो अब वहाँ से जहाँ जा रही है वहाँ तक खोदते हुए जाना पड़ेगा पूरी खाई, तो बड़ा काम लंबा हो जाएगा, बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे, और काम जो एक घंटे का है दो घंटे का है वो कई दिन तक चलता रहेगा। तो इसलिए हमें जो है उस फॉल्ट का जो है स्थान निर्धारित करना है। तो फॉल्ट का स्थान निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने कई विधियाँ हैं। मुख्य कौन कौन है? तो पहला आपने लिखा बेटा ब्लेवियर परीक्षण। ब्लेवियर परीक्षण ब्लेवियर टेस्ट लिख लीजिएगा। दूसरा पास परीक्षण बेटा लूप टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, लूप टेस्ट कहते हैं। और ये लूप टेस्ट भी दो प्रकार का है, ए और बी। ए आपने लिखा मुर्रे पास परीक्षण वार्ले। बी लिखा वार्ले पास परीक्षण। फिर तीसरा आपने लिखा है विभवपात परीक्षण, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट बेटा। चौथा रडार परीक्षण। फिर एसी बेटा लिख लें, एसी संधारित्र परीक्षण बेटा लिख लें। ऐसे ही तमाम है, एसी प्रेरकत्व परीक्षण। ये सब पढ़ना नहीं है, केवल जान जाइए। और हाँ, एसी प्रेरण परीक्षण, प्रेरण को इंडक्शन कहेंगे। तो ऐसे तमाम इस टाइप के परीक्षण हैं, लेकिन हम लोगों को यही इतना पढ़ना है, ठीक है? तो अब हम लोग जो है देखते हैं ब्लेवियर परीक्षण। क्या देखते हैं? इसको हम लोग देखते हैं, इसको पहले वाले को ब्लेवियर परीक्षण हेडिंग डाल लें बेटा। ब्लेवियर परीक्षण में हम लोग केवल जो अर्ध फॉल्ट ज्ञात करेंगे वो भी सिंगल कोर केबल का। क्या? हाँ, सिंगल कोर केबल का
सिर्फ अर्थ फॉल्ट इससे ज्ञात होता है। कौन सा फॉल्ट? हाँ, भू प्रदोष। सिर्फ भू प्रदोष ज्ञात होता है। और इसमें स्वस्थ केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी सिंगल कोर का केवल भू प्रदोष ज्ञात करेगा और दूसरा जो है इसमें किसी स्वस्थ केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वस्थ केबल की ज़रूरत नहीं होती, केबल आवश्यक नहीं होती। तीसरा, इसमें लूप नहीं बनता है। इसमें लूप या पास नहीं बनता है। इसलिए इसे जो है बिना लूप वाला टेस्ट बोलेंगे। इसमें एक केबल हम लोग बेटा ऐसे ले लिए, केवल अर्थ फॉल्ट बताएगा। ये केबल हो गई, ये आपका क्रोड हो गया। अब इसमें अगर कहीं अर्थ फॉल्ट है, मान लीजिए कि यहीं पर अर्थ फॉल्ट है, यहाँ से जो है ये आपकी करंट जो है बेटा ज़मीन में जा रही है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये अर्थ फॉल्ट है, ठीक है ना, भू प्रदोष। तो ये कभी कभी पूछा है कि ब्लेवियर टेस्ट किस में करते हैं, तो सिंगल कोर केबल में ही करें और वो भी सिर्फ भू प्रदोष ज्ञात करें। इस ये आपकी केबल हो गई, ये फॉल्टी बिंदु हो गया, यहाँ पर ये अस्वस्थ केबल है, या फिर इसमें बेटा यहाँ से जो है करंट जो है पृथ्वी में जा रहा है, इसका इंसुलेशन जो है फ्रैक्चर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ तक का ये आपका टेस्टिंग सिरा, ये क्या है? हाँ, ये परीक्षण सिरा है या इंड है, और ये वाला फॉर इंड है या सुदूर सिरा है। मान लिया बेटा कि पूरी केबल की लंबाई जो है यहाँ जो है, या ऊपर ही लिख देते हैं, पूरे केबल की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल लिखें कैपिटल एल, कैपिटल एल लिख लीजिए। पूरे केबल की लंबाई जो है कैपिटल एल है, अब परीक्षण सिरे से यानी टेस्टिंग सिरे से, ये टेस्टिंग सिरा है बेटा, टेस्टिंग सिरे से फॉल्ट बिंदु की दूरी L1 है। फॉल्ट बिंदु की दूरी, मान लीजिए कि ये आपका फॉल्ट बिंदु है बेटा, ये यही तो है फॉल्ट बिंदु, तो ये फॉल्ट बिंदु की दूरी L1 है। टेस्टिंग सिरे से, टेस्टिंग सिरे से फॉल्ट बिंदु की दूरी L1 है, तथा सुदूर सिरे से फॉल्ट बिंदु की दूरी, हाँ बेटा, L2 है। सुदूर सिरे से फॉल्ट बिंदु की ये दूरी जो है L2।
अब जो है इसका प्रतिरोध लिख लेते हैं। पूरा केबिल का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर ओम है। पूरे केबिल का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर ओम है। अब फाल्टी बिंदु तक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर वन ओम है और सुदूर सिरे से फाल्टी बिंदु तक का प्रतिरोध आर टू ओम है। क्लियर? सुदूर सिरे से बेटा, इसे सुदूर सिरा कहेंगे। सुदूर सिरा से फाल्टी बिंदु तक का प्रतिरोध आर टू ओम है और टेस्टिंग सिरे से फाल्टी बिंदु तक का प्रतिरोध आर वन ओम। क्लियर हो गया? अब इसके लिए हम लोग ब्लेवियर टेस्ट लिख रहे हैं। कौन सा? हाँ, ऊपर हेडिंग पढ़ चुकी है, ये ब्लेवियर परीक्षण का। तो अब इस चित्र को हम लोग देखें बेटा, तो हम लोगों के समझ में एक बात ये आ रही है कि यल बराबर है, कैपिटल यल बराबर यल वन धन यल टू, और कैपिटल आर का मान जो है आर वन धन आर टू है। बोलिए ना। हाँ बेटा, तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं कि लिख लें, पहली पॉइंट में हम लोगों ने लिखा कि केबिल की कुल लंबाई कैपिटल एल बराबर है L1 प्लस L2। ऐसे ही हो गया केबिल का कुल प्रतिरोध कैपिटल R बराबर हो गया R1 प्लस R2। हो गया? अब हम लोग जानते हैं, अगली पॉइंट लिख लें बेटा, हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध या क्रोड का प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। अतः R समान अनुपाते L, अतः R समान अनुपाते L बेटा। आगे लिख लें, इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल R2 जो है वह L2 के समान अनुपाती होगा और स्मॉल R1 जो है वो L1 के समान अनुपाती होगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे अतः जो है L2 समान अनुपाते R2 होगा और L1 समान अनुपाते R1 होगा। चाहे R1 समान अनुपाते L1 कहिए बेटा या L1 समान अनुपाते R1 कहिए, अथवा इसी बात को कहेंगे भाग दे दें तो, अथवा यही बात हो जाएगी L2 बटे L1 बराबर R2 बटे R1। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से भाग दे दीजिए तो L2 बटे L1 बराबर R2 बटे R1। अब लिख लें बेटा दोनों पक्षों में प्लस वन करने पर क्या होगा? इसे कोई समीकरण मान लीजिए, एक दो मान लीजिए कि ये एक है, ये दो है, इसको तीन मान लीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण नंबर तीन में
दोनों पक्षों में वन प्लस करने पर, तो प्लस वन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, लिख रहे हैं बेटा L2 बटे L1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा R2 बटे R1 प्लस 1। अगली लाइन में ये हो जाएगा L2 प्लस L1 एकयम L1 पूरे के बटे L1, ऐसे हो जाएगा R2 प्लस R1 एकयम R1 बटे R1 हो जाएगा। अब देखिए L2 प्लस L1 का मान है बेटा कैपिटल L, देखिए ना, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ना ये है ना, तो L1 प्लस L2 के जगह पर क्या रख दें, कैपिटल L लिख दें। तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल L बटे L1 बराबर R1 प्लस R2 का मान देखिए कुल प्रतिरोध R ओम है, इतना R1 ओम है इतना R2 है, दोनों को जोड़ दें तो केबिल का कुल प्रतिरोध कैपिटल R हो जाएगा। तो ये लिख दिया बेटा, यहाँ से हो गया कैपिटल R बटे R1, ये आपका सूत्र आ गया। अथवा L1 बराबर हो जाएगा, देखिए यहीं से L1 बराबर ज्ञात करिए, या L1 बराबर हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा स्मॉल R1 कैपिटल L गुड़े कैपिटल L बटे कैपिटल R, ये आपका फार्मूला आ गया, यही फार्मूला आ गया। अथवा इसी बात को कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है, बराबर R1 बटे कैपिटल R आब्लिक L, ऐसे भी कह सकता है, बोलिए भाई। अथवा इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, R1 क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे कि टेस्टिंग या परीक्षण सिरे से फाल्टी बिंदु तक की केबिल का प्रतिरोध, R1 क्या, तो R1 को लिखेंगे परीक्षण बिंदु से, हाँ प्रदोषी बिंदु तक का प्रतिरोध, ये है हमारा R1, कोष्ठ में R1, बटे में क्या है बेटा R बाई L, क्या है एक मीटर लंबाई का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R में बेटा कुल लंबाई L से भाग दे देंगे तो एक मीटर लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात हो जाए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं बेटा कि भाई कुल 100 मीटर है, कोई भी लंबाई 100 मीटर है बेटा, और उसे हम जो है मान लीजिए कि 50 रुपए में खरीदें, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि फिर एक मीटर लंबाई का मूल्य कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा भाई 50 में हम 100 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा यहाँ पर भी R में हम लोग क्या करेंगे, लंबाई L से भाग दे देंगे तो हमें एक मीटर का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, क्लियर है। या उल्टे कर लीजिए, लंबाई मान लीजिए बेटा 10 मीटर है और 10 मीटर का प्रतिरोध R का मान 500 ओम है या 50 ओम है, तो एक मीटर का कितना प्रतिरोध हो जाएगा, तो कैसे आया, तो कुल प्रतिरोध R में लंबाई से आपने भाग दे दिया तो एक मीटर लंबाई केबिल का प्रतिरोध ज्ञात हो गया। तो ये R बाई L जो है प्रति मीटर या एक मीटर लंबी केबिल का प्रतिरोध है, तो वहीं लिखे आप बेटा प्रति मीटर अथवा एक मीटर
केबिल का बेटा केबिल का प्रतिरोध बटे में रहेगा एक मीटर केबिल का प्रतिरोध या प्रति मीटर केबिल का प्रतिरोध कोस्ट में इसी को कहेंगे आर बाई एल। और ये इतना जो अब ये आंसर हो गया ये जो है आएगा बेटा मीटर में, तो यही हमें मान ज्ञात हो गया। देखिए ना टेस्टिंग बिंदु से प्रदोष की दूरी L1 का मान, ये L1 का मान ज्ञात हो गया, प्रदोष बिंदु तक की दूरी L1 है, टेस्टिंग सिरे से प्रदोष बिंदु तक, यही आपका प्रदोष है, ये फॉल्ट है बेटा, ये प्रदोष है, ये प्रदोष है अथवा यही आपका फॉल्ट, इस फॉल्ट बिंदु तक की दूरी L1 का मान इस फार्मूले से चाहे इस फार्मूले से ज्ञात कर लें। तो ये ब्लेवियर साहब ने दिया इसलिए उनके नाम क्या के आधार पर इस टेस्ट का नाम पड़ा ब्लेवियर परीक्षण। क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं मुर्रे, ठीक है ना, M U डबल R A Y, क्या मुर्रे लूप टेस्ट हम लोग अब पढ़ते हैं, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चित्र सबका बन गया है, क्लियर हो गया, अब तो आप लोग दूसरे को पढ़ा देंगे क्यों भाई। अब हम लोग बेटा लिखते हैं पास परीक्षण, क्या लिखते हैं तो पास परीक्षण में बेटा दो केबिलों की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो केबिल की जरूरत पड़ेगी तब पास बनेगा। तो इसमें बेटा पाला लिख लें, इसमें पाला तो यही लिख लें कि यह पास परीक्षण बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, किस पर काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, ब्रिज के सिद्धांत पर काम करेगा। बहुत पूछता है कि पास परीक्षण या लूप टेस्ट या मुर्रे पास परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा बेटा इसमें या इस टेस्ट में, चलिए इस टेस्ट में एक स्वस्थ केबिल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार केबिल की भी आवश्यकता होती है, उसमें बिना स्वस्थ केबिल के ही काम होगा ब्लेवियर में, केवल सिंगल की आवश्यकता होती है। अगला आपने लिखा कि इस टेस्ट द्वारा या परीक्षण द्वारा भू प्रदोष बेटा यानी अर्थ फॉल्ट व शॉर्ट सर्किट दोष, कौन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दोनों ज्ञात किए, तो ये बेटा दोनों हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे, ये वाला भी फॉल्ट ज्ञात हो जाएगा और ये वाला भी फॉल्ट ज्ञात हो जाएगा। ये सब बातें हैं इनकी।
ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है तो वो देख लें, इसी सिद्धांत पर ये चूंकि काम करेगा, ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज देख लेते हैं। तो आपने लिखा बेटा कि इसके द्वारा, इस परिपथ के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध, हाँ, S का मान ज्ञात करते हैं, या किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का, यहाँ पर S का ही है तो इसलिए S बोला गया, नहीं तो खाली अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। आप बेटा शेष जो है इसमें तीन प्रतिरोध, हाँ तीन प्रतिरोध पी क्यू व आर के मान हमें, हाँ हमें ज्ञात होते हैं। और जब ब्रिज संतुलित होगा बेटा, P और Q के मान, अगली पॉइंट लिख लें, प्रतिरोध P व Q के मान इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट बेटा करते हैं कि गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर मीटर का पाठ्यांक शून्य हो। तब ब्रिज संतुलित होता है, या तब ब्रिज संतुलन की दशा में होता है। आगे लिख लें, संतुलन की दशा में बेटा P बाई क्यू बराबर R बाई S से अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेते हैं। परिपथ जो है वो आप यहाँ परिपथ बना लें बेटा, ऐसे ये व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ एक तरह से बन गया। यहाँ पर ये प्रतिरोध जो है P है, ये Q है प्रतिरोध, ये है R और ये अज्ञात प्रतिरोध S। इसे जो है बिंदु A कहेंगे, मान लीजिए इसे B कहे, इसे C कहे, इसे D कहे। तो इसी B और D के बीच में जो है
हम लोग गैलोनोमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाँ, गैलोनोमीटर का यहाँ जीरो रहती है रीडिंग, ये केवल डिफ्लेक्शन देता है, धारा का मेजरमेंट नहीं करता। ये धारा का मेजरमेंट नहीं करता है बेटा, ये आपका हो गया गैलोनोमीटर, और इसको ऐसे जोड़ दिया। इसको, इस परिपथ को ब्रिज साहब ने या व्हीट स्टोन ब्रिज ने बताया या बनाया बेटा। तो ऐसे ब्रिज में भी क्या होता है भाई कि ऊपर से लोग आते जाते हैं, नीचे से जो है हाँ नदी या पानी इस टाइप से बहता रहता है, तो कुछ इसी टाइप का ये भी परिपथ है। तो नाम इसका ब्रिज पड़ गया, सेतु पड़ गया, पुल पड़ गया। तो ऐसे उन्होंने बनाया, और यही अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना है। ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो P और Q के मान, कोई भी बच्चा P यहाँ है, Q यहाँ भी लगा सकता है, और यहाँ पर R और यहाँ पर S, तब भी यही फार्मूला रहेगा, P बाई Q बराबर R बाई S। यहाँ से S बराबर हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो S बराबर हो जाएगा Q R बटे P, हो जाएगा ना। यहाँ से S का मान ज्ञात हो जाएगा, देखिए S बराबर Q R बटे P हो जाएगा, इतना ओम आ जाएगा, ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग बेटा P और Q का मान इस प्रकार से सेट करते हैं, ये बदलते रहेंगे, ये दोनों P और Q वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं, इनका मान हम लोग परिपथ में लगाएंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि BD भुजा में धारा का बहना शून्य न हो जाए। जब धारा शून्य हो जाएगी तो गैलोनोमीटर का पॉइंटर जीरो पर रुक जाएगा, हम जान जाएंगे कि अब हमारे जो है भुजा BD में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, अथवा गैलोनोमीटर का पाठ्यांक शून्य हो गया। तो उस समय हमारा ब्रिज संतुलन में होगा, और उस समय बिंदु B का विभव, B का विभव और D का विभव, ये दोनों विभव बराबर होंगे, ये दोनों विभव क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए इसमें अब धारा नहीं बहेगी। तो गैलोनोमीटर का जैसे ही पाठ्यांक शून्य होगा, तैसे ही संतुलन की दशा में आ जाएगा ये हमारा सर्किट, और संतुलन की दशा में यही P बटे Q बराबर R बटे S वाला फार्मूला लगा के हम लोग अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारा ये लूप परीक्षण काम करता है, या पास परीक्षण काम करता है, अथवा मुर्रे पास परीक्षण काम करता है, और वार्ले पास परीक्षण, ये दोनों जो है इसी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मुर्रे पास परीक्षण, क्लियर हो गया? चलिए बेटा, तो मुर्रे पास परीक्षण लिखिए, हेडिंग डालिए। मुर्रे पास परीक्षण द्वारा प्रदोष स्थान निर्धारित करना, चलिए लिख लीजिएगा, निर्धारित करना। तो चित्र इधर बना देते हैं बेटा,
ये हमारी कौन सी केबिल हो गई, स्वस्थ केबिल हो गई। ये क्या हो गई, ये हमारी बेटा स्वस्थ केबिल है या हेल्दी केबिल है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी प्रदोषी के लिए। इनके बेटा हम लोग सिरे को शॉर्ट करा देते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल प्रतिरोध हम लोग लगा देंगे, ये हो गया P, और इधर भी वेरिएबल प्रतिरोध एक लगा दिया बेटा Q, यहाँ जोड़ दिया, ये यहाँ पर जोड़ दिया Q। ये क्या है, चर प्रतिरोध है, ये चर प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है P और Q। यहाँ से एक बैटरी लगा दिया आपने, लिखा बैटरी भी लगा देंगे, और मान लीजिए ये अर्थ फॉल्ट है, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, हाँ बेटा अर्थ फॉल्ट है, तो ये ज़मीन में जो है आपकी सप्लाई उतरने लगेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पर भी थोड़ा सा, ऐसे यहाँ पर लगा दिया बेटा गैलोनोमीटर, क्या लगा दिया,
ये गैलोनोमीटर हो गया और ये यहाँ आके लग गया। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की देखिए अब संरचना हो गई। इस केबल की लंबाई पहले क्या लिखे हैं, केबल की पूरी लंबाई क्या लिखे हैं, स्मॉल एल लिखे हैं। इसमें क्या लिखे हैं, स्मॉल एल मीटर बेटा, ठीक है ना। ये आपका फॉल्टी बिंदु है, यहाँ पर अर्थ फॉल्ट है बेटा। कौन सा फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है। तो प्रत्येक केबल की लंबाई जो है वो कै मीटर है, एल मीटर है बेटा। और ये जो है निम्न प्रतिरोध की पट्टी से शॉर्ट कराया गया, निम्न प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध पट्टी, पट्टी इसलिए लेंगे जितने मोटा रहेगा बेटा उतने प्रतिरोध कम रहेगा। तो निम्न प्रतिरोध पट्टी से संयोजित कराए हैं या शॉर्ट किए हैं, क्या किए हैं, संयोजित किए हैं। ये स्वस्थ केबल माने इसमें एक केबल की जरूरत पड़ेगी। अब जो है बेटा चलिए अच्छा ऐसे ही रंग दिया। अब यहाँ से लेके ठीक है ना, और यहाँ तक का पूरा ये फॉल्टी बिंद तक का प्रतिरोध हम लोगों ने मान लिया कि R कितना है। चलिए यहाँ से लेकर ये जो है R ओम प्रतिरोध है बेटा, और ये कहाँ तक है, चलिए ये जो है यहाँ तक है, ये यहाँ तक फॉल्ट बिंदु तक का ऐसे लाइन खींच दिया, ये यहाँ तक का प्रतिरोध कितना है R ओम। तो पी क्यू आर हो गया बेटा। और इसका जो है बेटा ये फॉल्टी या प्रदोषी केबल का ये वाला जो है परीक्षण सिरा, ये कौन सिरा, हाँ तो यहाँ से ये परीक्षण सिरे से इसका जो प्रतिरोध है वो यस है। बोलिए भाई, प्रतिरोध यस ओम है और ये लंबाई जो है एल वन है, कितना है, हाँ ये है आपका टेस्टिंग सिरा, ये इसको लिख देते हैं बेटा टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड, टेस्टिंग एंड से जो है हमारा फॉल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध यस है और उसकी लंबाई एल वन। और क्या माने हैं, प्रत्येक केबल एल मीटर है, ठीक है ना, और तो कुछ माने नहीं है, स्मॉल आर माने हैं, स्मॉल आर जो है बेटा प्रत्येक केबल का प्रतिरोध है, ठीक है ना, प्रत्येक केबल का प्रतिरोध है बेटा। बस इतने माना गया, सब रीडिंग दिख रही है। स्मॉल आर ओम हम कहेंगे बेटा कि इस केबल का भी प्रतिरोध है और इस केबल का भी प्रतिरोध आर ओम है, और इस केबल की भी लंबाई एल मीटर है और इस केबल की भी लंबाई एल मीटर है। तो आपने लिखा है कि प्रत्येक केबल की लंबाई एल मीटर है और इसकी भी एल मीटर है, प्रत्येक केबल का प्रतिरोध आर ओम और इसका भी आर ओम, ठीक है ना, ये सारी पॉइंट लिख लिया। यस क्या है बेटा, आपने लिखा कि प्रदोषी केबल के टेस्टिंग एंड से या टेस्टिंग सिरे से
फॉल्ट बिंदु तक का केबिल का प्रतिरोध, और यही इसी की लंबाई जो है टेस्टिंग सिरे से प्रदोषी बिंदु तक की जो है दूरी या लंबाई जो है L1 मीटर है। यही L1 हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि इस टेस्टिंग सिरे से कितने मीटर की दूरी पर हमारा अर्थ फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। पक्का हो गया? तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे P/ लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखेंगे। लिख लें पहली पॉइंट व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, तो अब जो है इस P और Q को इस प्रकार से हम लोग फिर सेट करेंगे बेटा, ऐसा सेट करेंगे, इसको बदलते रहेंगे, ये चर प्रतिरोध हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर में हाँ रीडिंग शून्य आना शुरू हो जाए अथवा इस भुजा में धारा का प्रवाह बंद हो जाए, तब ये हमारा ब्रिज संतुलित हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे P/Q बराबर ये पूरा यहाँ तक R/S, ठीक है ना? तो यही लिखेंगे, हो जाएगा P/Q बराबर R/S। अब दोनों पक्षों में +1 करने पर, दोनों पक्षों में हाँ दोनों पक्षों में +1 कर दें, +1 करने पर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे P/Q +1 बराबर हो जाएगा R/S +1। अगली लाइन में हो जाएगा P/Q/Q बराबर हो जाएगा R/S/S। R+S बेटा देखें, R यहाँ तक है और S यहाँ तक है, यानी दोनों केबिलों का कुल प्रतिरोध हो गया। बोलिए ना भैया। और दोनों केबिलों का कुल प्रतिरोध 2R, R इसका भी है और स्मॉल R इसका भी है, तो कुल प्रतिरोध हो गया 2R। और उसी को 2R को कोई बच्चा कहेगा कि कुल प्रतिरोध जो है कैपिटल R यहाँ तक है, इसको बेटा नगण्य मानेंगे, इसके प्रतिरोध को नगण्य मानेंगे, तो इस केबिल का प्रतिरोध और प्लस इस केबिल का यहाँ तक का प्रतिरोध हो गया R और इतना बच गया S। तो यही हो गया R धन S का मान किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया। तो इसी बात को बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2r/s। क्यों? क्योंकि आपने लिखा क्योंकि बेटा R+S बराबर है 2r। दिख रहा है? अब यहीं से बेटा S बराबर अगर हम पक्षांतर करें, ये और ये ले लीजिए और यहाँ से लिखिए S बराबर, तो आप लिखेंगे S बराबर हो जाएगा 2R कोस्ट में लिख देते हैं Q/Q का यहाँ भाग है तो इधर जाके गुणा हो गया, तो देखिए Q से हमने गुणा कर दिया, P+Q अंश में है, इधर जाके हर में हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा P+Q, ऐसे हो S बराबर। अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया, अज्ञात प्रतिरोध S का मान इस समीकरण से ज्ञात कर लेंगे, इसे मान लीजिए 1 है, इसे मान लीजिए 2, समीकरण नंबर
दो हो गया है, समीकरण दो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एक मीटर लंबाई, एक मीटर लंबी केबल का प्रतिरोध। अगली पॉइंट लिखते हैं एक मीटर, यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिखते हैं बेटा। अगली पॉइंट अब लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे अगली पॉइंट लिखेंगे एक मीटर लंबी केबल का प्रतिरोध। सबको समझ में आ रहा है? तो ये प्रतिरोध हो जाएगा बेटा, पूरा प्रतिरोध जो है कितना है, 8 तो कितना हो गया, R/L हो गया। तो एक मीटर कुल प्रतिरोध, एक केबिल के कुल प्रतिरोध R में से उसकी कुल लंबाई L से भाग दे देंगे तो एक मीटर लंबी केबिल का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। अगली पॉइंट तब यहीं लिख देंगे बेटा कि अतः L1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध, अतः L1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, का प्रतिरोध हो जाएगा बेटा R/L × L1। बोलिए ना भैया, हो जाएगा ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक मीटर का दाम इतना है तो 2 मीटर का कितना होगा तो 2 करते हैं, 5 मीटर का कितना होगा तो 5 करते हैं, ऐसे ही L1 का कितना होगा तो इसमें L1 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर आप चित्र में लिखे हैं कि L1 लंबाई का प्रतिरोध यस ओम है, L1 लंबाई का प्रतिरोध कितना ओम है, यस ओम है बेटा। तो यही हो गया L1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध, कोष्ट में S बराबर ये फार्मूला आ गया, S बराबर क्या आ गया, ठीक है ना। तो ये S बराबर ये फार्मूला आ गया आपका। अब यहीं से L1 बराबर यदि लिखें, पक्षांतर करें, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे L1 बराबर हो जाएगा S/L/R, ठीक है ना। अब इसी में हम लोगों ने लिखा कि S का मान रखने पर, इस समीकरण से S का ये वाला मान रखने पर, तो लिख लें ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लीजिए हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे इसमें S का मान रखने पर प्रतिरोध, S का मान, S का मान रखने पर, टाइम ज़्यादा होगा क्या, हाँ बेटा रखने पर, तो रख दिया हम लोगों ने मान, तो लिखेंगे L1 बराबर हो जाएगा, S के जगह पर इतना पूरा रखें, इस S के जगह पर ये पूरा रखें, तो रखेंगे हो जाएगा 2R × Q/P+Q, इतना ऐसे लिख लेंगे, और फिर गुड़े अभी L है तो आगे गुड़े L लिखेंगे, और फिर बटे में R है तो पूरे के बटे ऐसे R लिख देंगे। देखिए इस R से ये R कट गया, 2 से L में गुणा कर लीजिए, तो अतः हो गया आपका, चलिए इधर लिख देते हैं, उसके नीचे न जाएं, अतः हो गया L1 बराबर हो गया 2L × Q/P+Q, कोष्ट बंद, दिख रहा है बेटा, और R से R कट गया, तो इतना आएगा मीटर,
ये कौन सा फार्मूला आपका बन गया, ये कौन सा फार्मूला बना, ये फार्मूला बन गया बेटा कि टेस्टिंग सिरे से फॉल्ट बिंदु की दूरी L1 का ये फार्मूला आ गया। ये L1 क्या है तो आप कहेंगे परीक्षण सिरे से, हाँ परीक्षण सिरे से प्रदोष बिंदु की, हाँ बिंदु की लंबाई, बिंदु की लंबाई, ये प्रदोष बिंदु की लंबाई आपकी L1 है और L1 बराबर आ गया 2L गुड़े Q बटे P प्लस Q मीटर। तो इसी फार्मूले से हम लोग जो है अर्थ फॉल्ट या फिर भू प्रदोष ज्ञात करेंगे। कौन सा ये फॉल्ट है, हाँ ये अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोगों ने एक तरह से ये सर्किट बनाया। किसके लिए, देखिए करंट जो है अर्थ हो रही है तो ये अर्थ फॉल्ट के लिए ये फार्मूला आया। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा ठीक है ना, तो उसमें एक स्वस्थ केबिल होगी और जो दोनों शॉर्ट कर रही हैं वो भी होंगी, ठीक है ना। तो ये अर्थ फॉल्ट के लिए ये चित्र हमारा किसके लिए रहा, एक तरह से ये चित्र आपका रहा बेटा अर्थ फॉल्ट के लिए। अर्थ फॉल्ट का लोकेशन, के लोकेशन हेतु ये चित्र रहा, क्लियर है। अब अगर हमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का लोकेशन ज्ञात करना, इसको हटा दूं, अब अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का नाम वही रहेगा मुर्रे पास परीक्षण द्वारा शॉर्ट सर्किट लोकेशन हेतु, ठीक है ना बेटा परीक्षण। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ये अर्थ किए हैं वहाँ पर एक और केबिल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर बेटा हम लोग एक और केबिल लगा देंगे, ठीक है ना, एक केबिल हम लोग जो है ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पर भी, ये दोनों आपकी जो है प्रदोषी केबिल हैं, ये दोनों कौन हैं, हाँ प्रदोषी केबिल हैं बेटा, और इनमें जो है शॉर्ट सर्किट हो रही है, इन्हीं में क्या हो रहा है शॉर्ट सर्किट हो रही है, ये यहाँ पर और ये जो है ये मान लिया कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट दोनों के इंसुलेशन, यहाँ चित्र में आपको दूर दिख रहे हैं लेकिन ऐसे जो है ये करंट जो है इनमें आ रही है, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किट। अब जहाँ पर होगा करीब करीब वहीं दोनों की लंबाई सेम होगी, दोनों का L1 सेम होगा, दोनों एक जगह तो टच करेंगे, ये थोड़ो है कि इसका भ्रष्ट यहाँ होगा तो इसका तो टच नहीं करेगा। अगर दोनों का पंचर बेटा या फिर जो है इंसुलेशन बेटा क्रैक हुआ या टूटा या फेल्योर हुआ, तो जब दोनों का इंसुलेशन एक जगह फेल्योर होगा तब कंडक्टर जो है टच करेगा, एक का भी थोड़ा सा जो है एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर आगे हो गया, दूसरे में भी फ्रैक्चर हुआ लेकिन वो एक दो सेंटीमीटर पीछे हो गया, तो फिर जो है कंडक्टर जो है या क्रोड जो है टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि दोनों का एकदम L1 और S का मान सेम रहेगा और फिर सेम यही प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे और फिर यही सेम फार्मूला उसके लिए भी आएगा। बस केवल अंतर यह है कि इसमें ये दोनों प्रदोषी केबिल हैं, ये दोनों शॉर्ट आपस में कर रहे हैं, ये भी प्रदोषी केबिल है,
और ये वाली एक स्वस्थ केबिल है। तो जहाँ पर हमारा अर्थ हो रहा था, अब अर्थ के जगह पर ये दोनों प्रदोषी केबिल लग गई और ये जो है आपका परिपथ सेम रहेगा और फिर जो है फार्मूला भी आपका सेम रहेगा। तो इसी फार्मूले से हम लोग चाहे जो है अर्थ फॉल्ट ज्ञात करें और चाहे जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ज्ञात करें। क्लियर हो गया? सेम फार्मूला, सेम डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल यह है कि भाई वहाँ पर अर्थ के जगह पर दोनों प्रदोषी केबिलें लगा दी गई क्योंकि आपस में शॉर्ट कर रही हैं और एक हेल्दी केबिल के साथ ऐसे जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का निर्माण कर लिया गया। फार्मूला जस का तस। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ। धन्यवाद।